हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो आईएमटी की नींव रखी गई थी वो झूठी नींव रखी गई थी। आप आईएमटी के वहाँ जहाँ रखी गई जगह जहाँ उद्घाटन हुआ था आप वहाँ जाकर एक बार दौरा किए, वहाँ पत्थर भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव ने कल लावण गांव का दौरा किया और वहां पर उनका बड़े ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। कुलदीप यादव ने बताया कि 1966 से अब तक बहुत से मुख्यमंत्री आए लेकिन महेंद्रगढ़ का विकास फिर भी नहीं हुआ। कुलदीप यादव ने बताया कि वो ये चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े और महेंद्रगढ़ का सही विकास हो। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अपनी बात पहुंचा सके और जो हमारे क्षेत्र में जो कमियां रही है, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है, उनको हम किसी न किसी तरीके से सरकार से मिलकर सरकार के साथ प्रयास करके सरकार के सामने रखकर पूरा करवा सके। उसके लिए पिछले 5 साल से मैंने लगातार संघर्ष किया। हमने हर मुद्दे पर धरने भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन साथ ही बुजुर्गो जो आज महेंद्रगढ़ जो हमारी विधानसभा है, जो हमारा क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ का इतिहास एक बहुत पुराना इतिहास है। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य अलग बना था। अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूं तो 1952 से हमारे महेंद्रगढ़ का अस्तित्व है, दर्शन टाइम से हमारे महेंद्रगढ़ को जिले के नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों बुजुर्गो, इतने लंबे कार्यकाल के दौरान जब 1966 में हरियाणा बना तो हमारे 7 जिले भरा करते थे और 7 जिलों में अगर सबसे ऊपर का नाम आता था तो महेंद्रगढ़ का था। लेकिन 1966 से लेकर 2019 तक साथियों सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, कुर्सियां भी बदली और हमने बार बार 2 विधायकों को बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली जिसकी हम अतीत है, जिसको लेकर हम हमेशा प्रयास रहे कि महेंद्रगढ़ के हालात नहीं बदले। आज भी जैसे मेरे से पूर्ववक्ताओं ने बताया कि हर काम के लिए चाहे सरकार की कोई भी सुविधा हो, किसी माता बहन की लेते जाना हो, चाहे और कोई सुविधा हो, हर रोज हमें नार रोड के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हर रोज हमें नार रोड जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं मेडिकल सुविधाओं की, चिकित्सा सुविधाओं की, तो आज तक इतने लंबे राज के बाद में महेंद्रगढ़ में ऐसा कोई हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम इमरजेंसी में वहां पहुंच सके। आज भी हमारे किसी साथी का, बुजुर्ग का, माता बहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो आज भी हमें 150 से 200 किलोमीटर या तो जयपुर जाना पड़ता है, रोहतक जाना पड़ता है, गुड़गांव जाना पड़ता है। कम से कम 1.5 से 2.5 घंटे हम रास्ते में लग जाते हैं। उस दौरान जो हमारा चिराग होता है अपने हाथों से उसको खो बैठते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ रोजगार की, तो आज तक इतने लंबे शासन में हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में ऐसे कोई रोजगार या के पूरे विधायक वर्तमान विधायक नहीं जा सके। आपने होते नेताओं को मौका दिया है, आप एक आशीर्वाद मुझे दे ताकि इस महेंद्रगढ़ की आवाज को मैं सरकार के सामने बुलंद कर सकूं। इसी उम्मीद को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं आशा करता हूं कि लावण गांव जो मेरा अपना गांव, मैं इसको समझता हूं आने वाले जो चुनाव होंगे आप लोगों का सहयोग मेरे साथ पूरा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया और यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, युवा साथियों ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं दोबारा दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार माहौर। आज हम पहुंच चुके हैं लावण गांव में और सरताज ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपके सामने क्या क्या जन समस्याएं आ रही हैं? जन समस्याएं तो मेरे सामने नहीं, जन समस्याएं तो पूरे क्षेत्र की हैं और हमेशा हमने इस मांग को उठाया कि हमारा जो क्षेत्र है आज पूरे हरियाणा में सबसे पुराना जिला होते हुए आज सबसे पिछड़ा हुआ है। उसके लिए हम निरंतर पीछे भी प्रयास किया किसी प्रकार से हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। और जहाँ तक आपने बात करी क्या समस्याएं हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में तो आज की यहाँ की जनता एक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। न यहाँ कोई मेडिकल की सुविधा है, न कोई रोजगार की व्यवस्था है, न यहाँ कोई आज तक हाईवे बन पाया, न कोई परिवहन की सुविधा है। रात को 7 बजे के बाद में यहाँ किसी को बस नहीं मिलती, न यहाँ कोई अधिकारी बैठते हैं। अगर एक छोटा काम किसी बुजुर्ग को पेंसिल बनवाना, वो कोई भी अगर सरकार से संबंधित कोई भी सुविधा हमें लेनी पड़ती तो उसके लिए रोज़ नारोल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हमारा क्षेत्र आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ और यहाँ की जनता सबसे पिछड़ी हुई है। सर, आप महेंद्रगढ़ को देख लीजिए, चाहे बस स्टैंड देख लीजिए, चाहे अस्पताल, चाहे नगर पालिका, इतनी बुरी हालत हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं बताया कि चाहे मैं पहले ही बता दिया कि बस स्टैंड परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, सब डिपो, वैसे अगर हमारा अधिकार तो बनता है डिपो का, लेकिन
लेकिन आज तक महेंद्रगढ़ जो बस स्टैंड है एक सामान्य बस स्टैंड है। अगर पूरे हरियाणा में कहीं भी चला जाओ आप, किसी भी बस स्टैंड पे सामान्य बस स्टैंड नहीं दिखा होगा, लेकिन हमारा एक ऐसा बस स्टैंड बन के रह गया जिसपे 7 बजे के बाद में कोई आदमी आपको देखने को नहीं मिलता। नगर पालिका में 1.5-1.5 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। एक नगर पालिका के रोडों की हालात देखोगे तो उससे बढ़िया रोड आपको गाँव में मिल जाएंगे। ऐसे नगर पालिका जो हमारा क्षेत्र है उससे बढ़िया तो दूसरे जिले के जो गांव है ना वहाँ आपको ये फैसिलिटी सुविधा मिल जाएंगी। तो यहाँ तो यहाँ की जनता बहुत भारी मतलब परेशान है, हर प्रकार से हर वर्ग परेशान है। सर आईएमटी की नींव तो रखी लगे लेकिन उसका कार्य अभी तक नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या? वो जो आईएमटी की नींव रखी गई थी वो झूठी नींव रखी गई थी। आप आईएमटी के वहाँ जहाँ रखी गई जगह जहाँ उद्घाटन हुआ था आप वहाँ जाकर एक बार दौरा किए, वहाँ पत्थर भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मीडिया से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कह दिया था कि यहाँ आईएमटी पॉसिबल नहीं है। जो सर्वे की जो टीम आई थी उन्होंने मना कर दिया था। यहाँ के शिक्षा मंत्री ने वर्तमान विधायक ने कि जबरदस्ती लोकसभा चुनाव थे उस समय तो उनको लग रहा था कि भी लोकसभा की टिकट मिल जाएगी, तो एक माहौल बनाने के लिए एक झूठा पत्थर वहाँ लगाया गया था जो आज धरातल पर वहाँ 4 ईंट भी आज तक नहीं लग पाई है। ये सिर्फ जनता को एक गुमराह करने का काम वर्तमान विधायक कर रहे हैं। सर जो वर्तमान विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जो भी बाकी कार्य हैं वो 100 दिन के अंदर कर देंगे, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? वर्तमान विधायक मैंने पहले बताया हरियाणा में सबसे झूठा अगर कोई विधायक और मंत्री है तो रामविलास शर्मा हरियाणा के राजनीति में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं 2 महीने में कर दूंगा। महेंद्रगढ़ की जनता 1977 से रामविलास शर्मा को वोट दे रही है। यहाँ के जो युवा साथी खड़े हैं इनसे बुजुर्गों ने उन्होंने वोट दिया, 3 पीढ़ियाँ हो गई महेंद्रगढ़ की जनता को वोट देते हुए, लेकिन आज हालात क्या है? जो व्यक्ति 30 साल के राज में कुछ नहीं कर पाया तो आज 2 महीने में क्या कर देगा? जिन परियोजनाओं का वो नाम ले रहे हैं उन परियोजनाओं का 2 महीने में तो पेपर वर्क भी पूरा नहीं हो पाता, वो कहते हैं कि पूरा हो जाएगा। तो ये सिर्फ नजदीक चुनाव देखते हुए और लोगों को एक भ्रमित किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर रामविलास जी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप महेंद्रगढ़ में क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखो अगर हमें पब्लिक मौका देती है तो जो मैंने बताया जो मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र के जो पिछड़ा हुआ है उसको हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई, जो एक हमारे ऊपर एक मेहनत पिछड़ेपन का दाग लगा हुआ, मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार के सामने जल्द से जल्द उनको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। PRO कुलदीप यादव जी का कहना था कि वो महेंद्रगढ़ में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं अमित कुमार माहौर अपने कैमरामैन रोहित के साथ स्टेट न्यूज हरियाणा। कोसली एरिया का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों को दिया जाता है पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रोजेक्ट स्टडी, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, लाइब्रेरी, सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन शिक्षा, स्कूल बस का कोई किराया नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस की कोई फीस नहीं। गायत्री साइंस इंस्टीट्यूट पाए सबसे अच्छा अवसर सबसे पहले। लिमिटेड सीट्स, आज ही कॉल करें 9729683636 पर।